अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? राजा जफर इकबाल। अच्छा, राजा जफर इकबाल साहब। आपके वाले साहब का नाम क्या है? राजा गुलजार। राजा गुलजार साहब, आप यहाँ कितने अरसे सिलसिला कर रहे हैं? हम तकरीबन 40 साल से। अच्छा माशाल्लाह। इस कब्रिस्तान का नाम क्या है? ये बिजली घर वाला कब्रिस्तान। अच्छा अच्छा, ये इलाका का नाम क्या है? वार्ड नंबर 7 गुजरहा। अच्छा अच्छा, और ज़िला? ज़िला रावलपिंडी। रावलपिंडी पड़ता है, ठीक है जी माशाल्लाह। ये नाज़रीन गिरामी, ये इनसे भी हमें एक वाक़या के बारे में मालूमात हुआ है कि साहब बता रहे हैं ये कि इस कब्र के अंदर जो है ना इन्होंने खुदाई की थी तो वो महफूज लाज मिला था। नाज़रीन गिरामी, आप ख़ुद इनकी ज़ुबान सुनिए। जब हम रात को खुदाई कर रहे थे, तकरीबन शाम का टाइम था उस कब्र की, जब हमने खोदी है तो नीचे चले गए पड़ियों तक। हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा पुरानी कब्र हो ना, तो देखते हैं गली सड़ी होती है, ऊपर बना देते हैं। और इस कब्र की जो हमने पड़ी सरकाई है, वहाँ से खुशबू आ रही थी, कफन बिल्कुल साफ सालम कोरा का कफन सफेद, ठीक है। फिर हमने बंद कर दी है, फिर वह दूसरी कब्र बनाई है। उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद फिर ये मैंने कब्र तैयार कर ली है। सुबह शाम में इधर आता हूँ, उस पर फातिहा पढ़ता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मेरे मोहतरम भाई, मैं ये वाक़ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देखें, हमारे मुसलमानों के अंदर अमाल की बहुत कमी है। शायद इन वाक़ात से उनके जहन में ये बात बैठे कि कुरान करीम वाकई अल्लाह ताला कलाम है, दीन इस्लाम वाकई सच्चा मज़हब है, कि जो उनकी पैरवी करते हैं अल्लाह ताला उनकी लाशों को भी महफूज कर देते हैं। मैं सुबह शाम इधर आता हूँ। जी जी, दो सुबह। बहुत खुशी की बात है। और साथ ही साथ ये हमारे गैर मुस्लिमों को भी, यहूदी ईसाई हिंदू भाई बहन जो, उनके लिए भी पैगाम है। देखें ये बिल्कुल ओरिजिनल आपके सामने वाकया मौजूद है, ये साहब मौजूद हैं, और इसी ये साबित होता है कि वाकई दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है, कुरान करीम अल्लाह कलाम है। अगर ऐसा ना होते तो इनके मानने वालों की लाश कैसे महफूज रहती, जबकि बहुत से मुसलमानों की लाशें ज़मीन में सरगल जाती हैं। तो आपको अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, आपको सेहत आफियत दे, मेरी तरफ से दुआ है। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला कामयाब करे। लोकेशन चारों तरफ के ले लो, ठीक है। नाज़रीन गिरामी, ये वो कब्र है जिनका लोकेशन दिया है। नाम तो हमें नहीं पता, आप नाम का पता नहीं है, क्योंकि कितने अरसे के बाद ये इस कब्र को देखे ना। हाँ हाँ, उम्र 1965 की। हाँ 1965, ये तकरीबन पहले की होगी। ये 1965 की तकरीबन पहले की कब्र है। कितने अरसे पहले ये आपने कब्र खोदा था? ये वाक़ कब हुआ? तकरीबन 9 महीने हुए। 9-1 महीना माशाल्लाह, ये तकरीबन 9 महीने पहले की बात है। ये नाज़रीन गिरामी, ये 9 महीने पहले इस कब्र को खोदा गया था, और बिल्कुल खुशबू भी आई, और उसके बाद लाश भी बिल्कुल ताज़ा था, कफन भी बिल्कुल ताज़ा था। तो ये मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इस साहिब कब्र को के मजीद दर्जात को बुलंद करे, और ये इस वली के ज़रिए से इस नेक बंदे के सदके जो हम कोशिश कर रहे हैं मुसलमान की इस्लाह के लिए, उसमें कामयाबी नसीब अता फरमाए। और जो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो, और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो उनके दिलों में नफ़रत है, बोझ है, दावत है दुनिया के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ या अल्लाह इस बुज़ुर्ग मुसलमान के सदके हमारे दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।